हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है संकल्प अकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन है और सभी लोगों से कहा गया है कि घर में ही रहें ज़्यादातर, तो सभी लोग घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते रहें। तो जैसा कि संकल्प परिवार द्वारा कई सारे आपके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जो विभिन्न विभिन्न सब्जेक्टों के, विभिन्न विषयों के और टॉपिक्स के, आज हम लोग ऐसा टॉपिक्स लेके आए हैं जो अब काफ़ी आने वाले सालों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी शिक्षा का स्तर ही, पूरा शिक्षा का स्तर ही इस पर डिपेंड होगा। ऐसा टॉपिक है ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वाली है 2020 में, जो अभी हाल ही में 29 जुलाई बुधवार को केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा कहा गया। तो उन्होंने बोला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया। हालांकि इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा क्या क्या इसमें बिंदु रखे गए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो आगे आने वाले भविष्यों में जो हमारी शिक्षा का स्तर आगे लेके जाएंगे, काफ़ी चीज़ें हैं। और बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन इस चीज़ की थी कि कोई कह रहा था कि स्नातक अब 4 साल की हो जाएगी, कोई कह रहा है कि अब हमें BTC और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो काफ़ी लोगों के अलग अलग डाउट्स थे। कोई कह रहा था कि अध्यापक बनना अब कठिन हो जाएगा, कोई कह रहा है कि बच्चों के लिए समस्याएं होंगी, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसें ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी, सरकारी स्कूलों की फ़ीस ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी, ऐसा कहने में सभी लोगों की अलग अलग मत आ रहे हैं। तो उसके लिए संकल्प परिवार द्वारा आपके लिए नया टॉपिक की शुरुआत की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए। ये टॉपिक्स आपके सारे जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, सारे जो भी भ्रम हैं, उन सभी को दूर कर देगा। तो स्टे वॉच, आप देखिए इस चीज़ को। आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, क्या क्या सुधार किए गए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ बिंदु जो इस बार रखे गए हैं, पहले वो तो आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा कहा गया कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या समझेंगे हम? शिक्षा मंत्रालय। और मानव संसाधन विकास मंत्री को कहा जाएगा शिक्षा मंत्री, ये कहा जाएगा, यानी अब इसका नाम बदल गया। हालांकि नाम बदलने की कवायद कोई पहली बार नहीं हुई है इस चीज़ की, ये इससे पहले भी हुआ था। 1985 तक इसको शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था, फिर बाद में राजीव गांधी सरकार द्वारा फिर इसको बाद में चेंजमेंट किया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोला गया था। तो उसके बाद फिर आज 34 साल बाद फिर ये चीज़ की गई है। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा और रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा कहा गया इस चीज़ को, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहले मैं आपको 10 से 12 पॉइंट्स कुछ हैं जो अहम बिंदु हैं, उनकी डिटेल बाद में बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए क्या क्या चेंजमेंट हुए होंगे। तो पहला है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय। दूसरा, जो आज तक चलता आया था कि शिक्षा का मॉडल जो हम लोगों का 10+2 मॉडल था, वो सेकेंडरी यानी कि 10 तक प्राथमिक और उसके बाद 2 जुड़ने के बाद इंटर यानी कि आपकी सेकेंडरी तक था, अब उस चीज को बदल दिया गया। अब मॉडल आपका आएगा 5+3+3+4 यानी कि अब 10+2 की जगह ये मॉडल चलेगा आपका 5+3+3+4 यानी कि अब आपका यहां से मॉडल पूरे तरीके से बदल जाएगा। 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15 पहले था 12 साल का, अब ये 15 साल का पूरा मॉडल आपका नया मॉडल आया है। ये चीज है क्या मॉडल एक्चुअली में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आप बिंदु समझिए सिर्फ अकेले। दूसरा है शिक्षा पर सरकारी बजट, जो बजट खर्च होता था पहले वो 4.43 था, GDP का हिस्सा था 4.43, अब 4.43 से बढ़ा के शिक्षा में विकास हो सके तो उसका GDP का 6% विकास किया गया है, यानी कि 6% लक्ष्य रख दिया गया। अब दूसरी बात, ग्रेजुएशन 3 से 4 साल का, यानी कि कुछ ग्रेजुएशन में जो स्नातक, काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों को, तो स्नातक में कुछ विषय यानी कुछ कोर्सेज 3 साल के हैं और कुछ कोर्सेज 4 साल के हैं। ये तो अभी भी होता है कि जैसे कि BTech है तो 4 साल की है और BSc है, BA है तो 3-3 साल की है, तो ऐसे ही कुछ 3 के कुछ 4 साल के हैं, तो सभी के में अलग अलग इसमें प्रोसेस की गई। इसमें क्या है कि अभी तक क्या होता था कि अगर हम लोग BA BSc ज्वाइन किए हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर हमने ज्वाइन किया और छोड़ दी हमने BSc, ग्रेजुएशन छोड़ दी हमने, तो हमको कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, कोई कुछ नहीं मिलता था, डिग्री नहीं मिलती थी, क्योंकि हम लोगों की वो माननी नहीं जाती थी। डिग्री हमको तभी मिलती थी जब हम लोग पूरी BSc कर लेते थे, 3 साल का कोर्स पूरा कर लेते थे। BTech हम लोग 3 साल का जब पूरा कर लेते थे,
चार साल का सॉरी कर लेते थे तब हमको बीटेक की डिग्री मिलती थी। तो अब वो सिस्टम ही हटा दिया गया, अब आपसे कह दिया गया कि आप जितना पढ़ोगे उतनी आपको रैंकिंग के आधार पर दी जाएगा। नेक्स्ट है एमफिल की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। पहले बोला गया कि अब किसी व्यक्ति को पहले कहा था कि इंटर करें, इंटर के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद फिर परास्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एमफिल और एमफिल के बाद फिर पीएचडी। अब वो सिस्टम ही खत्म, अब सीधे आप इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सीधे पीएचडी आप कर सकते हो। एमफिल की अनिवार्यता ही खत्म हो गई, अब डायरेक्ट आप सीधे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। छठी कक्षा से ही छात्रों को प्रोफेशनल स्किल की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपको दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। छठी कक्षा से ही आपकी स्किल की क्वालिटी बढ़ा दी जाएगी, यानी अभी तक जो हम लोगों की जो वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है वो शिक्षा हम लोग चाहे जितनी भी डिग्री ले लें, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, बीकॉम कुछ भी ले लें, तो ये सभी चीज़ें कुल मिला के इन सब चीज़ों की डिग्री लेने भरने से नौकरी नहीं मिल जाती, फिर भी हम लोग सरकार पर ही अपनी आस टिकाए रखते हैं। कोई बीटेक वाला विद्यार्थी कोई टीचर सी जॉब कर रहा है, कोई अलग जॉब कर रहा है, तो फिर भी हम लोग सिर्फ नौकरी पे लगे हुए हैं। लेकिन अब इस शिक्षा नीति के जरिए हर विद्यार्थी का, सरकार का कहना है कि हर विद्यार्थी के अंदर, हर छात्र के अंदर ऐसी ऐसी स्किल्स डाली जाएंगी, ऐसे कौशल, ऐसे इनोवेशन होंगे जिसकी वजह से वो अपना खुद का व्यवसाय कर सके, अपनी खुद का एक इनोवेशन लेके आए पूरे देश में। तो ये चीज़ है ताकि कुछ ना कुछ वो करे व्यवसाय के लिए, जरूरी नहीं है वो सरकार पे इस चीज़ के लिए आश्रित हो जाए, तो अपना खुद करेगा ताकि देश की प्रगति में भी उसका कुछ ना कुछ योगदान होगा। तो ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका शिक्षा मंत्रालय, दसवीं और बारहवीं बोर्ड। अभी तक क्या था कि लोग क्या करते थे कि दसवीं और बारहवीं बोर्ड के लिए सिर्फ लास्ट के दो महीने होते थे, उनमें पढ़ाई कर ली और लास्ट के दो महीनों में पढ़ाई करने के बाद अपना काम चला लिया। लेकिन अब ऐसा कतई नहीं होगा, अब बोर्ड की महत्वता को ख़त्म कर दिया जाएगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब 9 से लेके 12 तक में आपके दो दो सेमेस्टर होंगे। अभी माना कि हाई स्कूल में और इंटर की परीक्षाओं में सिर्फ आपकी बोर्ड की परीक्षा होती है, लेकिन 9th और 11th में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा होती, लेकिन वो अब चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपकी सेमेस्टर चलेंगे, दो सेमेस्टर होंगे साल में हाफ, छः महीने की। उनमें क्या होगा, एक में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और एक में आपकी थ्योरी आएगी, यानी दो तरीके से आपके पेपर होंगे और दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे। यानी कि आप शिक्षा के स्तर में आपको पूरी साल पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए ये जरूरी भी है, क्योंकि पहले क्या करते थे कि आखिरी के दो महीने उठा लिया, पढ़ा लिया, बस हमने पास होने लायक नंबर आ गए। लेकिन अब इससे काम नहीं चलता है, हमको पास नहीं होना है, हमको नॉलेज लेनी है इस चीज़ की, बच्चों को नॉलेज देनी है इस चीज़ की, ताकि वो देश की प्रगति में सहायक बन सकें। तो ये चीज़ आगे भी बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है ये पाँचवीं कक्षा में मातृभाषा में पढ़ाई। सरकार ने कहा है कि पांचवीं कक्षा तक प्रत्येक बच्चा, जो पांचवीं कक्षा कक्षा आठ तक के प्रत्येक बच्चा अपनी काबिल बन सके कि वो अपनी मातृभाषा को जान सके, अपने क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज को वो सीख सके। तो कुल मिला के सरकार ने कहा कि तीन भाषाएं, अभी तक क्या है कि इंग्लिश मीडियम में है तो उसे सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़नी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो सकता है, इंग्लिश आपका एक टैलेंट है हो सकती है, एक भाषा हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को अगर आप कहोगे सिर्फ इंग्लिश पे ही आप डिपेंड हो जाओ, ऐसा नहीं है। आपको तीन भाषा तो पढ़नी ही पड़ेगी कक्षा पाँच तक, और हो सके संभव हो तो सरकार इसको कक्षा आठ तक भी बढ़ाएगी। अभी आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया जाएगा आपको हिंदी अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी, ये तीनों पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपको वो चीज़ की स्किल आपको आ पाएगी सिर्फ कक्षा छः में। नेक्स्ट, शिक्षा के लिए UGC, NCT शिक्षकों के लिए बनाए गए हैं, AICTE, ये सभी खत्म कर दिए गए। इन तीनों आयोगों को खत्म कर दिया जाएगा और इन तीनों आयोगों की जगह एक आयोग बनेगा, रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि एक नियामक संस्था बनेगी जो सभी शिक्षकों के लिए एक अनिवार्य रूप से नियम कार्य करेगी, शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से नियम कानून बनाएगी, यानी एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, इन तीनों के अलग अलग नियम नहीं आएंगे, एक संस्था अलग आएगी। नेक्स्ट है उच्च शिक्षण संस्थानों में 2030 तक ये कहा गया कि हर जिले में अगर ना संभव हो तो हर जिले के आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान हो, ये भी एक नियम बनाया गया है इस चीज़ के लिए। तथा ये भी कहा गया कि कॉलेजों में एंट्री बिना सिर्फ 12th की मार्कशीट लगा के एंट्री ना हो जाए, उससे पहले प्रवेश परीक्षा होगी, उसमें पास होंगे तभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इस चीज़ के लिए CAT यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है ये भी आपके आगे बताएंगे, 2030 तक ये उच्च शिक्षण संस्थान, जैसे मैंने अभी आपको बताया,
ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर काफी दिया गया है कि काफी हो सके जितना हो सके डिजिटल एजुकेशन दी जाए, बच्चा जो लोग दूर सुदूर क्षेत्र होंगे तो ऑनलाइन के माध्यम से उनसे हम जुड़ सकेंगे, और वो लोग जैसे कि अभी आप लोग जैसे दूर बैठे हुए फिर भी आप ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आप जुड़ पा रहे हो, तो ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर दिया है सरकार ने ताकि ये बच्चे दूर बैठे हुए शिक्षा को प्राप्त कर सकें, उन्हें जरूरी नहीं है कि वो विद्यालय आए इस चीज के लिए। नेक्स्ट है, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस खोलने की अनुमति मिल जाएगी, यानी कि विदेशी विश्वविद्यालय जो है वो यूनिवर्सिटी जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी जो भी चाहें वो भारत में अपना कैंपस खोल सकती हैं और भारतीय लोग उसमें अपने ज्वाइन होके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, अब आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल्स के बारे में कि शिक्षा नीति में क्या क्या सुधार किए गए। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, तो आइए देखते हैं इस चीज के लिए कि संविधान में अब शिक्षा का उल्लेख क्या है, पहले शुरुआत से हम लोग जानेंगे फिर उसके बाद शिक्षा नीति के बारे में विश्लेषण से पढ़ेंगे। तो संविधान में शिक्षा का उल्लेख क्या है, शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। फाइनल कानून केंद्र सरकार का ही माना जाता है जिसमें भी समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है, शिक्षा एक विषय है, शिक्षा को शामिल किया गया है। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था लेकिन जनता पार्टी सरकार द्वारा 1977 के बाद इस चीज को चेंज कर दिया गया और शिक्षा को समवर्ती, जो 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, 42वें संशोधन के बाद इसको चेंज करके 1977 में शिक्षा समवर्ती सूची में आगे शामिल हो गए थे। और शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल होने के बाद अब शिक्षा पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। शिक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब काफी बार आता भी है कि किस अनुच्छेद के तहत जो प्राइमरी हम लोग विद्यालय हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक देखेंगे तो कक्षा 1 हमारी 6 साल की उम्र से शुरू होती है और कक्षा 8 14 साल की उम्र में खत्म होती है। तो कक्षा 1 से कक्षा 8 प्राइमरी एजुकेशन जो है 6 से लेके 8 तक की एजुकेशन, सॉरी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की शुरुआत ये की गई 86 में संविधान संशोधन 2002 से, और ये संशोधन किया गया, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 का में रखा गया। इसके अलावा भी कई सारे अनुच्छेद हैं संशोधन किए गए हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। अब बोझ के हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे उस चीज़ में, वो हम लोग फिर कभी पॉलिटी में उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा नीति के बारे में, तो शिक्षा नीति संबंधित बिंदुओं को देखेंगे। तो अब आइए शिक्षा नीति को देखते हैं, शिक्षा नीति में है क्या कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पहले आपको बता दो कि केंद्र सरकार ने इसमें शिक्षा नीति बताया गया कि जैसा कि अभी आपको बताया कि 34 साल पुरानी शिक्षा नीति थी 1986 में, नई शिक्षा नीति ने इसको पूरी तरीके से बदल दिया है। नई शिक्षा नीति से पहले 34 साल से यही चलती आ रही थी 1986 में, राजीव गांधी द्वारा प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने शुरुआत की थी शिक्षा नीति की जो पुरानी थी। उससे पहले भी शिक्षा नीति आ चुकी थी 1968 में, 1986 में। अब जो शिक्षा नीति आएगी ये देश की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये एजुकेशन पॉलिसी देश में शिक्षा की पहुंच, शिक्षा की समानता, गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को बताएगी, उसकी उत्तरदायित्व जैसी चीज़ों को बताएगी। इस पर जोर दिया गया है और लोगों को व्यवसायीकरण और काफ़ी चीज़ों पर जोर दिया गया ताकि शिक्षा पर वो अपना विकास कर सके, इससे देश का विकास हो सके। तो ये सभी चीज़ों का शिक्षा के लिए विकास दिया गया, इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट है प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम लोग जानेंगे शिक्षा में क्या है। जो नई शिक्षा नीति आई 2020 में हुआ क्या था, इसका पूरी थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। तो हुआ क्या कि साल 2015 में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा टी एस आर सुब्रमण्यम जी को ये इनको बोला गया कि आप शिक्षा नीति पर एक मसौदा तैयार करें। तो इन्होंने अपनी तैयार किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट, 5 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और लेकिन वो रिपोर्ट सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। फिर 2016 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन ने को रिपोर्ट दी गई और 9 सदस्यीय टीम बनाई गई और इन्होंने अपना मसौदा तैयार किया। और इन्होंने मसौदा 2016 के बाद इन्होंने मसौदा अपना 31 मई 2019 को इन्होंने अपना मसौदा दिया और रिपोर्ट अपनी पेश की, जिसको सरकार ने 31 मई 2019 के बाद एक साल बाद 29 जुलाई
20 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। हालांकि ये अभी कोई कानून नहीं बना है, पहली बात तो ये बताना चाहूंगा। अभी सिर्फ ये चीजें आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, जो शिक्षा नीति आएंगी उनमें कौन कौन से बिंदु होंगे। अभी इसका विधेयक बनेगा, उस विधेयक का नाम जो रखा गया है वो विधेयक का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि या विधेयक अमेंडमेंट्स कहते हैं उस चीज को। तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विधेयक, अभी ये विधेयक है, बिल है, यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन बिल आया है। इस विधेयक को पेश किया जाएगा संसद में, संसद में पेश होने के बाद फिर ये काफी चरणों से गुजरेगा, राष्ट्रपति द्वारा जब सहमति दे दी जाएगी तब ये विधेयक से कानून बनेगा, तब इस जगह बिल की जगह बी की जगह ए आ जाएगा, यानी ए मतलब हो जाएगा एक्ट, तब ये कानून बन जाएगा। और जब तक नहीं है तब तक ये सिर्फ बिल है। अभी संसद, अभी सिर्फ उसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, मंत्रिमंडल के बाद अब संसद में जाएगा, फिर संसद के बाद ऊपर देखा जाएगा, राष्ट्रपति जी द्वारा देखा जाएगा इस चीज को। अब है क्या इसके बिंदु देखें तो केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस चीज को काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बिंदु है इसका 2020 के द्वारा जो जीडीपी का 4.43% जो हिस्सा था वो अब 6% कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के, जो अभी आपको बताया था 10+2 का जो शैक्षिक मॉडल है उस चीज को बदल कर 5+3+3+4 कर दिया जाएगा, प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। ये चीज कही क्यों गई है, इसलिए कही गई है कि हम कुल मिला के सभी लोगों को जोड़ सके शिक्षा से, जिसमें कि टेक्निकल नॉलेज मिल सके, एजुकेशन मिल सके, जो भाषाई बाधाओं से बंधे रहते हैं कि अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में ही उनको पूरा जीवन उनका क्षेत्रीय भाषाओं से ही संबंधित रहता है और दूसरे प्रदेशों की भाषाएं वो नहीं समझ पाते, तो उनको भी सीख सकें। दिव्यांगजन हैं जो लोग, वो लोग भी शिक्षा को प्राप्त कर सकें, तो दूर बैठे व्यक्ति हैं वो लोग भी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो ऐसी कई चीज़ें की गई हैं जिससे शिक्षा पर जोर दिया गया है। इस चीज़ के बारे में शिक्षा नीति में छात्रों की रचनात्मक सोच, उनकी क्रिएशन को बढ़ाने, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए जोर दिया गया कि ताकि वो क्रिएटिव हो सकें इस चीज़ की, उनका माइंड कोई रट्टू तोता वाला हिसाब नकल वाला ना रहे, वो क्रिएटिव माइंड से सोचें, वो अपना काम कुछ ना कुछ वो ऐसा करते रहें, उनकी टेक्निकल नॉलेज, उनकी रीजनल, उनका दिमाग की तार्किक शक्ति को बढ़ाने के लिए जोर दिया गया है। तो ये काफी चीजें हैं जो सरकार द्वारा शिक्षा नीति में बिंदु ऐसे दिए गए जो इनका विकास होगा, तो उसको हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट बिंदु है हमारा, अब समझते हैं हम लोग 5+3+3+4 के बारे में। तो ये है क्या बार बार 5+3+3+4, तो 5 से तात्पर्य है हमारा फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज क्या है, इसमें आपकी प्री प्राइमरी के 3 वर्ष, प्री प्राइमरी, आंगनवाड़ी, ये जो होते हैं इनमें जो शुरुआत के, जैसे कि नर्सरी, LKG और UKG, ये 3 साल बच्चे को बैठा ले जाता है। यानी बच्चा, जो पहले बच्चे बैठते थे वो 5 साल की उम्र में बैठते थे, लेकिन अब 3 साल का बच्चा हो जाओ, 3 साल के बाद उसको बैठा दो स्कूलों में, यानी कि नर्सरी या हम KG बोल दें, किंडरगार्टन, तो KG, LKG, UKG, तो ये 3 चीज़ें, 3 साल हो गए। इसके बाद फिर क्लास 1 और क्लास 2, तो टोटल हो गए क्लास 2 तक प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और कक्षा 1, कक्षा 2, टोटल हो गए 5 साल। 5 साल की उम्र तक वो होगा, ये होगा 5 से तात्पर्य। दूसरा 3 है, उस 3 का मतलब है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये होगा, इसको बोला जाएगा प्रीपरेटरी स्टेज। फिर नेक्स्ट 3 का मतलब है मिडिल स्टेज, ये मध्य का आ जाएगा, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ये 11 से 14 साल के बच्चे के लिए है, क्लास 6 से क्लास 8 तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लास्ट 4th का हो जाएगा, क्लास 8 के बाद आएगा क्लास 9 to क्लास 12 तक, 9th, 10th, 11th, 12th, यानी कि 4 साल का हो जाएगा, ये 14 से 18 वर्ष के लिए है। तो कुल मिला के ये चीज़ें बनाई गई हैं। पहले क्या था, पहले 10+2 तक, यानी हाई स्कूल और 2 साल और इंटर, ये था। अब उस चीज का मॉडल 12 वर्षीय मॉडल को बदल के अब 15 वर्षीय मॉडल बना दिया गया है। ये चीजें की क्यों गई हैं, उस चीज को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम 5 के बारे में पढ़ेंगे, 5 का किया क्यों गया है, आइए देखते हैं। 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला कि 3 से 6 साल का बच्चा,
छह साल में, और फिर सात और आठ, ये दो भागों में बांटा जाएगा। जो तीन से छह साल के बच्चों के लिए क्या होगा कि आंगनबाड़ी है, बाल वाटिका है, प्री स्कूल है, इनके माध्यमों से बच्चों को मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता कराई जाएगी। इनमें बच्चों को सिखाया जाएगा, उनमें पढ़ाया जाएगा, इसके लिए उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कराई जाएंगी। ये सब चीज़ें सरकार द्वारा, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा ऐसा करिकुलम बनाया जाएगा कि जिससे बच्चे का क्रिएशन माइंड हो सके धीरे धीरे कर करके। तो और क्लास वन और क्लास टू में छः से आठ साल के आ जाएंगे, सात कक्षा सात वर्ष की उम्र और आठ वर्ष की उम्र में। तो कुल मिला के इसका पाठ्यक्रम निर्धारित कौन करेगा? NCERT द्वारा इसका पाठ्यक्रम निर्धारित होगा। और ये NCERT पाठ्यक्रम जिसमें बच्चा खेल कूद भी सके, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर सके, ताकि शुरुआत से उसका रुझान आ सके। तो आठ साल की उम्र तक ये बच्चे को ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। इसीलिए पाँच साल की जगह शुरुआत के तीन साल KG, LKG और UKG में, और उसके बाद कक्षा एक और कक्षा दो। नेक्स्ट थ्री का मतलब है, यहाँ से थ्री का मतलब इस स्टेज में बच्चों को अभी तक क्या था, बच्चे समझ नहीं पाते थे, धीरे धीरे करके उनको प्राइमरी स्कूलों में देखा जाता था। तो अब इन तीन सालों में क्या होगा, बच्चे को हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, गणित, विज्ञान, कला, इनसे रूबरू होना सिखाएंगे बच्चों को, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा ताकि वो जानकार हो सके, इन चीज़ों को धीरे धीरे करके वो सीख सके। तभी इनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पहले पढ़ाई गई ताकि वो इन चीज़ों को जान सकें। जब तक हम उनको शुरुआत में आठ साल की उम्र तक हम उनको बताएंगे नहीं एप्पल, तो एप्पल के बारे में फिर वो जानेंगे भी नहीं। तो उस चीज़ के बारे में इनको इस एज में बताया जाएगा, इस चीज़ के बारे में 11 वर्ष तक की उम्र में बच्चा इतना सब कुछ जान जाए। यानी कि यहाँ पे बच्चे को जो विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, ये सब जो कला के बारे में बताया जाएगा, ये उसकी मातृभाषा में बताया जाएगा। मातृभाषा उसकी रीजनल लैंग्वेज, सरकार का कहना है कि बच्चा रीजनल लैंग्वेज में समझ सके, ये इतने जो भी जिस भाषा में समझ सके उस भाषा में समझाया जाए, लेकिन पढ़ाया जाए 100% साक्षरता हासिल की जाए ताकि सभी को साक्षरता प्राप्त हो सके। 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा तीन के सभी बच्चों को एक मिशन शुरू किया गया है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान मिशन, यानी कि उनकी बेसिक नींव रखी जा सके उनकी गणित के लिए और उनकी साक्षरता के लिए एक मिशन शुरुआत किया जाएगा, जिसकी शुरुआत से कानून बनने के बाद हो जाएगी। यहाँ तक कि नई शिक्षा नीति में कक्षा पाँच तक की शिक्षा में मातृभाषा यानी रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन के माध्यम से रूप में जोर दिया गया, यानी कि जो टीचर भी पढ़ाएं वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएं ताकि बच्चों को आसानी हो सके पढ़ाने में, अपने सुलभ वजह से वो इस चीज़ को सुलभ हो और उनको माध्यम उनका समझ सके वो इस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ें हैं जो तीन से कक्षा तीन से कक्षा पाँच तक लिए आएंगे। नेक्स्ट है कक्षा तीन जो आगे बारे में है, नेक्स्ट थ्री के बारे में है, वो तीन है कक्षा छः से कक्षा आठ के बारे में। अब ये कक्षा छः से आठ तक का क्या है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस चीज़ का कि कक्षा छः से कक्षा आठ में क्या आएगा। अभी तक क्या था कि हम लोग क्लास फिफ्थ तक बच्चों को देखते थे पढ़ते हुए, तो आप खुद ही सोचिए ये चीज़ें जब अगर होंगी तो आपका बच्चा किस दिशा में जाएगा, कितना एक मेधावी छात्र बनेगा जाके इस चीज़ के लिए। सरकार जो ऐसी चीज प्रतिभाएँ लेके आएगी, अलग अलग बच्चों में छांटेंगी प्रतिभाओं को, तो बच्चे के अलग निखार आएगा, उसका टैलेंट निकलेगा बाहर इस चीज़ के लिए। और जब 6 से 8 तक में बच्चा, अभी तक क्या था कि 6 से 8 में बच्चों को वही जो पुराने घिसे पिटे सब्जेक्ट्स थे तो उनके सब्जेक्ट्स के बारे में बस आगे वही चैप्टर आगे बढ़ा दिए जाते थे, लेकिन नहीं, अब सब्जेक्ट सरकार ऐसी शुरुआत करेगी कि बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग जैसी चीज़ें सिखा सकें। यानी कि जो चीन में होता है बच्चों को, जो मात्र 12 साल की उम्र का बच्चा चीन में, अमेरिका में ये चीज़ें सीखता है, तो इंटर्नशिप के माध्यम से ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी आपको। यानी कि आपका बच्चा 6 साल में, आज 6 से लेके 8 तक में, जो फ्यूचर में जैसे क्या होगा कि जैसे जब ये चीज़ लागू होगी तो वहाँ पे कक्षा 6 में व्यावसायिक शिक्षा आपको व्यावसायिकीकरण की नॉलेज दी जाएगी, कंप्यूटर कोडिंग जैसी दी जाए सिखाई दी जाएंगी। जैसे कि अगर आप चाहें कि अगर आपका बच्चा पेंटिंग करना चाहता है तो आप, तो उसको पेंटिंग कराने की नॉलेज के साथ साथ अगर आप उसको इंटर्नशिप के लिए भेज सकते हैं किसी बड़े पेंटर के पास, आप भेज दीजिए इंटर्नशिप के साथ साथ, तो वो इंटर्नशिप भी कर लेगा कि अच्छी पेंटिंग वो सीख जाएगा। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कंप्यूटर कोडिंग है, कोई ऐप्स मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में आप उसको भेज सकते हैं ताकि वो उस चीज़ को वो सीख सके बनाना। यानी कुल मिला के इस चीज़ को चीन और अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर इस चीज़ की शुरुआत की जाएगी ताकि बच्चा ये चीज़ सीख सके। यानी समझ लीजिए 12 से 13 साल का बच्चा ये चीज़ें सीखेगा तो फिर जब वो बड़ा होगा तो वो देश की उन्नति में कितना फ़ायदा देगा। तो इस चीज़ के लिए सरकार ने इस नीति की शुरुआत की है, ये है उन तीन सालों का मतलब। लास्ट है, तो ये आप समझ सकते होंगे इस चीज़ के लिए,
लास्ट फोर्थ का मतलब हम लोग समझेंगे, यानी कि क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ। इस चीज़ में अभी तक क्या था कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ को बोर्ड बोला जाता था, यानी बोर्ड की परीक्षाओं मन में बहुत ज़्यादा डर रहता था यार परीक्षा फेल हो गए तो क्या होगा, करियर का ये होगा वो होगा। तो बच्चे का, और अपने तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे तो सीधे आखिरी के दो महीनों में पढ़ लेते थे, जितना हो जाए उतना तैयारी देखा जाएगा, तो अपने इस चीज़ की डिपेंड रहते थे। सरकार ये कहती थी, और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा जोर देती थी इस चीज़ के लिए, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा हाई स्कूल इंटर में, इतना प्रेशर होता था, जितनी उनका शरीर का वजन उससे ज़्यादा उनके बैक का वजन होता था, तो काफ़ी चीज़ों का प्रेशर होता था। सरकार ने बिल्कुल कह दिया कि कोचिंग संस्थान और इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही ना रहे, ताकि उनको नॉलेज सिर्फ और सिर्फ ऐसे हो सके कि ऑनलाइन एजुकेशन के जोर के माध्यम से भी बहुत चीज़ समझ सकें और बच्चे क्रिएटिव माइंड्स कर सकें। अब ये नहीं है कि अगर आपने यहाँ से, क्या होता कि जब बच्चा क्लास, जब वो बच्चा 13-14 साल का हो जाता है, 14 साल का हो जाता है, उसके बाद फिर उसको स्ट्रीम दी नहीं जाती है। स्ट्रीम में क्या होता है कि वो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है, आर्ट स्ट्रीम में जाना चाहता है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है, किस स्ट्रीम में जाना चाहता है, तो ये चीज़ों की चॉइस दे दी जाती है। कोई आर्ट साइड ले लेता है, कोई साइंस साइड, कोई कॉमर्स साइड। तो साइंस साइड और कॉमर्स साइड और आर्ट साइड, इन तीनों चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। अब यानी कि बच्चा, एक सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है तो दूसरा आप इसके साथ साथ आप पॉलिटी भी ले सकते हो, हिस्ट्री के साथ आप चाहें तो केमिस्ट्री भी ले सकते हो, यानी कुल मिला के आप कमर्शियल लैंग्वेज के साथ साथ आप कुछ भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ये सब कुछ यानी जिसमें आपका इंटरेस्ट, सरकार का सिर्फ इतना कहना है कि जो भी आपका मन हो करने का वो आप करिए पढ़ाई संबंधित। कुल मिला के आप कभी बेमन से पढ़ाई ना करें, पढ़ाई में आपका मन लगा रहा है, आपकी इच्छा के अनुसार जो आपका मन हो पढ़ाई में वो लीजिए सब्जेक्ट्स। आपको इस चीज़ के, आप अगर म्यूजिक के साथ सीखना चाहते हो तो म्यूजिक के लिए आप सब्जेक्ट ले सकते हो। काफ़ी चीज़ों में सरकार ने इसमें सुधार किया है। ये आपका, इसके साथ साथ जो जब सबसे अच्छा चेंजमेंट हुआ है वो मुझे ये दो चीज़ों में लगा, एक ये एक आगे और बताऊँगा। पहला ये कि अब नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक में साल में दो परीक्षाएं होंगी, सेमेस्टर वाइज होंगी, दो सेमेस्टर होंगे, एक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और एक आपके थ्योरीज वाइज होंगे। तो यानी ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होंगी, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका एक और थ्योरी वाइज होगा, दोनों के नंबर आखिरी में जोड़े जाएंगे। तो कुल मिला के आपको पूरी साल पढ़ना पड़ेगा, ये आप इस चीज़ से बच नहीं सकते कि आखिरी का आपने महीनों में पढ़ लिया। तो कुल मिला के सरकार इसीलिए ऐसा कर रही है क्या कि, तो कि आप उस चीज़ की नॉलेज आपको मिल सके, तो ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए। तो दो परीक्षाएं यानी वर्ष में अब दो बार परीक्षाएं होंगी, आपको छात्रों को विषय चुनने की पूरी आज़ादी होगी, वो अन्य किसी मैथ या गणित के साथ, साइंस के साथ कुछ भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। तो ये चीज़ थी आपकी 5+3+3+4 के बारे में। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए आपकी इंटर तक की परीक्षाओं के बारे में, नॉलेज के बारे में। अब इंटर के बाद बच्चा क्या करे क्या ना करे कि उस चीज़ के लिए, अब आती है बारी कॉलेज लाइफ की। कॉलेज लाइफ में कैसे किया जाए, तो उसके बारे में बताया कि सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में बताया है, इसमें क्या किया जाए। तो मैंने आपको बताया था, मुझे दूसरी चीज़ ये है सबसे ज़्यादा पसंद आई है सरकार की इस नीति के बारे में, ये है, इसका नाम सरकार ने दिया है, जो सचिव थे उच्च शिक्षा सचिव हैं अमित खरे जी, उन्होंने बोला मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, यानी कि जितनी बार आओ और जाओ ये बहुआयामी ये जो है आने का और जाने का सिस्टम बनाया है सरकार ने। अभी तक क्या था कि आप ग्रेजुएशन में होते थे तो ग्रेजुएशन में 3 साल की 4 साल की होती थी, तो जैसे आप बीएससी कर रहे होते तो बीएससी करने के बाद आपको बीएससी पसंद नहीं आई तो आपने बीएससी छोड़ दी, तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी फिर उस चीज़ की। तो एक साल आपने बीएससी कर दी और डिग्री छोड़ दी और डिग्री नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता था, फिर वो मानी आपकी इंटर ही जाती थी। लेकिन अब उस चीज़ का चेंजमेंट हो गया। आप क्या करते थे, पहले क्या होता था कि बीएससी कर लेने के बाद एक साल आपने किया मेरा मन नहीं है बीएससी का, तो आप दूसरी स्ट्रीम आप बीए करने लगते थे, तो बीए के बाद या बीएससी के बाद कुछ और करने लगते थे, तो ये चीज़ें बीटेक करने लगते थे। तो ऐसी चीज़ें होती थी कि बीटेक के बाद आप फिर वापस बीएससी में आ जाओ, तो ये चीज़ें होती थी। अब सरकार इस चीज़ को चेंज कर देगी। सरकार क्या है, आपने एक साल बीएससी की, अगर आप कोई भी डिग्री 3 साल या 4 साल का कोर्स कोई भी कर रहे होते हो, तो 3 साल के कोर्स में जैसे आप कर रहे हो तो उसमें अगर आप एक साल करने के बाद आप छोड़ देते हो तो आपको, अगर आप छोड़ देते तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप 2 साल के बाद छोड़ते हो तो 2 साल का आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आपने 3 साल का पूरा कर लिया तो 3 साल का आपने पूरा कर लिया तो आपको पूरी पूरी डिग्री मिल जाएगी। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे बीटेक जैसे, तो जो 4 साल के हैं, तो ऐसी चीज़ें कर ली आपने तो 4 साल में आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। तो ये चीज़ें आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, 3 या 4 वर्ष का जो पाठ्यक्रम होगा स्नातक कार्यक्रम में, कई स्तरों में पाठ्यक्रम को किया गया, 1 वर्ष के साथ सर्टिफिकेट,
दो वर्षों के साथ आपको एडवांस का डिप्लोमा, 3 वर्ष के साथ आपको डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल का करते हो तो आपको रिसर्च के साथ स्नातक की डिग्री आपको मिलेगी। ये आपको फायदा, यानी कि आप जितनी बार आओ जितनी बार जाओ उस चीज का सिस्टम आपका बना रहेगा। 1 साल के बाद छोड़ना चाहते हो तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा जो आपकी नौकरी में भी आगे फायदा दे देगा। तो ये फायदेमंद आपको रहेगा क्योंकि इस चीज में आपको फायदा रहेगा कि आप भविष्य में किसी से भी कह सकते हो कि हाँ, एक आपके बगल में व्यक्ति जिसने सिर्फ इंटर की है और एक आपने कम से कम 1 साल की तो BSc की है, तो वो 1 साल की BSc आपकी तो भी मानी जाएगी। तो ये चीज़ आपको फायदे देंगी नौकरी में, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप 1 साल के बाद छोड़ दी तो आपकी वैल्यू वही बराबर हो जाती थी इंटर के बराबर कि आपने इंटर की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा। तो ये काफ़ी फायदेमंद चीज़ है, ये चीज़ बताई गई। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकार का ने जो नई स्नातक उच्च शिक्षा के माध्यम से किया है, ये देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का सिस्टम बनाया है सरकार ने। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एक क्रेडिट सिस्टम बनाया है कि आप कोई भी कोर्स अगर आप करते हो तो उसमें आप जैसे 1 साल का आपने कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने बीटेक करना शुरू की थी तो बीटेक आपने 1 साल की और 1 साल के बाद आपने बीटेक छोड़ दी, और बीटेक अगर आपने छोड़ दी तो उस 1 साल का पॉइंट आपका जुड़ जाएगा, फिर आपने BSc करने लगे तो BSc वाला भी पॉइंट जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ें आपके हर विद्यार्थी का, हर छात्र का एक क्रेडिट नंबर शुरू होगा और वो क्रेडिट नंबर में उसके बिंदु देखे जाएंगे ताकि वो अपने लोन आपके अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सके, प्रिंट आउट निकाल सके और नौकरी में भी वो लगा सके। तो एकेडमिक प्रिंट आउट से एकेडमिक ऑफ क्रेडिट बैंक एक बैंक की तरीके से खाता आपका बनता जाएगा कि आपकी डिग्री और ये सब चीज़ें एक जगह स्टोर होती रहेंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। मतलब नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब छात्र ग्रेजुएशन के बाद सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे अब PhD कर सकते हैं, यानी कि अब MPhil करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दर्शन सी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। यानी पहले क्या होता था, ये चीज़ें करनी MPhil करनी पड़ती थी, लेकिन अब MPhil की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। लेकिन हाँ, PhD 4 साल की तो है ही। नेक्स्ट है सरकार द्वारा क्या किया गया, सरकार द्वारा चिकित्सा और कानूनी LLB जैसे चीज़ों के लिए कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरी उच्च शिक्षा, चाहे वो BTech हो, चाहे वो MBA हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो इनके लिए पूरी उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक निकाय बना दिया है सरकार ने। इसका नाम रखा जाएगा भारत उच्च शिक्षा आयोग, इसका रखा जाएगा नाम भारत उच्च शिक्षा आयोग, इंडियन हाई एजुकेशन कमीशन, ये आपका हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा जो इन सभी के लिए वैलिड होगा। लेकिन हाँ, इनमें सिर्फ 2 चीज़ें, 2 विषयों को अलग रखा गया है, वो है चिकित्सा और कानूनी शिक्षा, इसको अलग रखिए, बाकी सभी के लिए एक ही आयोग कार्य करेगा, वही नियम और कानून बनाएगा, उसका नाम होगा भारत उच्च शिक्षा आयोग। इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, UGC NCTE और AICTE जैसी संस्थाओं को ख़त्म कर दिया जाएगा, इनके स्थान पर एक नियामक संस्था यानी रेगुलेटरी बॉडी बना दी जाएगी। आपको पता चली गया है इस चीज़ के बारे में, नियामक एक संस्था बनेगी जो इन सब के बदले में कार्य करेगी, वही नियम कानून बनाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, जैसे मान लीजिए आपके इंटर में नंबर कम आए, तो होता क्या था कि अभी तक आपके मान ली इंटर में नंबर आए 33%, फिर भी आपको BSc में एडमिशन मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके इंटर में अगर नंबर कम है तो आपको किसी कॉलेज में अगर जैसे कहा गया कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तब आपका एडमिशन हो पाएगा। ये चीज़ बनाई गई है तभी, क्योंकि हायर एजुकेशन पाने का अधिकार उसी को होगा जो उस चीज़ के काबिल होगा, और जब तक आप काबिल नहीं तो उस चीज़ के काबिल बनना पड़ेगा। तो अब सरकार क्या था कि पहले नकल का सिस्टम के जरिए आप पास हो जाते थे तो भी अब आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, ये चीज़ अब बनाएगी, क्योंकि अगर आपके नंबर कम हैं तो आपको देना पड़ेगा, नंबर अगर ज़्यादा है, डिग्री अगर आपके इंटर में नंबर अच्छे आए हैं तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत अनिवार्यता नहीं होगी, ये भी एक पॉलिसी है। नेक्स्ट है 2030 तक देश के हर जिले में आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा जो नई नई टेक्निक का यूज करेगा, जिसके अंतर्गत आपको ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, क्षेत्रीय भाषाओं में आपको जानकारी दी जाएगी, एक वर्चुअल लैब बनाई जाएगी ताकि कई सारी चीज़ों की आप जानकारी डाउनलोड कर सकें, लाइब्रेरी बनाई जाएगी कई सारी बुक्स को पढ़ सकें आप, स्कूलों शिक्षकों और छात्रों को डिजिट संसाधनों के माध्यम से, जैसे अभी आप लोग मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हो, इस चीज़ को देख रहे हो, तो डिजिट संसाधनों के माध्यम से आपको एजुकेशन मिल सकेगी। तो एक
ऐसा उच्च शिक्षण संस्थान हर जिले के पास एक ऐसा बनाया जाएगा, एक सेंटर पॉइंट बनाया जाएगा जो ये हर तरीके की नॉलेज आपको मिल सके। अभी क्या था कि पहले क्या था, सरकार ऑफलाइन लाइब्रेरी बना देती थी, वहां से आपको लाइब्रेरी में आपको न्यूज़पेपर और ये सब चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन अब आज के ज़माने में लाइब्रेरी बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं, तो लोग क्योंकि मोबाइल से इस स्रोतों के माध्यम से सारे स्रोत ढूंढ लेते हैं। तो सरकार इस चीज़ का फायदा देखते हुए कि मोबाइल सभी के पास है तो इस चीज़ की ऑनलाइन जानकारी मिल सके इस चीज़ के लिए, तो इस चीज़ की हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट बिंदु है हमारा, तो आइए देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में, नेक्स्ट जानकारी क्या है जो नई शिक्षा नीति में शुरू की गई है। अब सबसे बड़ी दिक्कत लोगों की ये रहती थी कि सरकारी निकायों में और प्राइवेट निकायों में बहुत भेदभाव किया जाता था, तो प्राइवेट संस्थान काफ़ी फीस ज़्यादा लेते थे। ये सभी माता पिता सभी अभिभावकों की ये बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी इस चीज़ की कि प्राइवेट संस्थान काफ़ी मन मर्जी इतनी लेते हैं मुताबिक फीस, तो वो पे नहीं कर पाते हैं, और सरकारी शिक्षा संस्थानों में इतनी वो पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होती। तो सरकार ऐसे स्रोत लाएगी, ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएगी कि प्राइवेट और ये सब चीज़ें बराबर रहेंगी, और प्राइवेट संस्थानों वाले कोई भी निर्धारित फीस से ज़्यादा फीस आपकी नहीं ले सकेंगे, ये भी एक नियम कानून बनाएगा, अन्यथा उनको अपनी संस्थान बंद ही करनी पड़ेगी, वो सरकारी रेट के हिसाब से ही फीस लेंगे सभी बच्चों से। इसके अलावा सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक ही मानक होंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए ये देखिएगा, अमेरिका की तर्ज पर एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। जैसे अमेरिका में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, कोई व्यक्ति जानकारी लेना चाहता है, शोध करना चाहता है, उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा कि जैसे आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस के अलावा आप आर्ट्स के बारे में भी जान सकें, कला प्रौद्योगिकी के बारे दोनों की आपको नॉलेज मिल सके। इसके लिए आपके रिसर्च प्रोडक्ट्स को सरकार फंड भी करेगी। नेक्स्ट है स्कूली बच्चों में, जो 12th तक के बच्चे होंगे उनमें बच्चों में क्या होगा कि बच्चों को अपना एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। अभी कहता है कि रिपोर्ट कार्ड टीचर ने जितने मार्क्स आए आपको उतना पकड़ा दिया, लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड थोड़ी लेवल उसका अलग होगा। उस रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा, उसके रिजल्ट का क्या होगा, वो रिपोर्ट कार्ड आपका 3 स्तर से जांचेगा। एक छात्र अपना खुद देखा होगा स्कूल में, टीचर देखेंगे देखो कि तुम्हारी पढ़ाई नंबर कैसे है, ये छात्र उसको खुद देखेगा, उसका बगल में उसका सहपाठी यानी उसका दोस्त जो बैठा होगा स्कूल में वो देखेगा, उसको जांचेगा, मूल्यांकन करेगा, साथ में तीसरा अध्यापक, तीनों का रेशियो देखा जाएगा और तीनों देखेंगे तब जांच के तब रिपोर्ट कार्ड बनेगा। ये अब रिपोर्ट कार्ड का सिस्टम हो जाएगा नेक्स्ट। इसके अलावा सभी स्कूलों में, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में कला एवं संस्कृत के लिए विशेष तौर पर जोर दिया गया है कि संस्कृत का काफ़ी प्रचार प्रसार हो और संस्कृत को, संस्कृत भाषा को सभी लोग ज़्यादा जोड़ दें, इस चीज़ के लिए संस्कृत की नॉलेज सभी को प्राप्त हो सके, इस चीज़ के ज़्यादा जोर दिया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट है, अब ये तो हो गई सभी टीचर्स की बात, सॉरी सभी स्टूडेंट्स की बात, सभी नॉलेज की बात जो जो थी कि कौन 12th तक के, 12th के बाद हायर एजुकेशन में क्या थे, तो इन किसमें क्या आयोग बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई थी। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें जो देखेंगे वो है अध्यापकों के बारे में, कि बात ये आती है कि अध्यापक कौन बनेगा इसमें, जो नई शिक्षा नीति के तहत अध्यापक कौन बनेगा, अध्यापक अब वही बनेगा जो अध्ययन करता अच्छा होगा, यानी जिसने जितना पढ़ाई की होगी वही अध्यापक बनेगा। अब ये नहीं कि आपके पास सिर्फ डिग्री है तो डिग्री के माध्यम से आप पढ़ाने लगो, लेकिन नहीं, अब अध्ययन करता जिसको नॉलेज अच्छी ज़्यादा होगी उसका परख एक टेस्ट किया जाएगा, उसके आधार पर उसको टेस्ट, जैसे अभी आपके 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, तो इनमें से अभी टेस्ट हो गया, वैसे ही अध्यापकों की भर्ती के लिए भी टेस्ट होंगे आगे, तो अध्यापन वही कर पाएगा जो अध्ययन करता है अच्छा होगा, जिसकी पढ़ाई नॉलेज अच्छी होगी, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास डिग्री होगी। अभी तक क्या था कि सर्टिफिकेट और ये BTC और ये सब चीज़ें करके प्रमाण पत्र के डिप्लोमा के जरिए आप अध्यापक बन जाते थे, लेकिन अब ये सब चीज़ें खत्म कर दी जाएंगी। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, न्यूनतम अनिवार्यता आपकी BEd कर दी जाएगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री बना दी जाएगी आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ इतनी, बस इस चीज़ को आप करना न्यूनतम, उसके ऊपर तो आप BEd के बाद MEd और कुछ भी कर सके वो आपके ऊपर है, लेकिन न्यूनतम अध्यापन के लिए डिग्री BEd कर दी जाएगी। अगर आपका अध्यापन करने का मन है, इंटर के बाद आप सीधे अध्यापक बनना चाहते हो, तो इंटर के बाद आपकी BEd कर सकते हो, पहले BSc करनी होती थी, ग्रेजुएशन करनी होती तब आप BEd कर पाते थे, लेकिन अब 12th के बाद सीधे आप BEd कर सकते हो, वो BEd आपकी 4 साल की होगी। यदि आप 12th और ग्रेजुएशन साथ में करते हो तो आपको BEd 2 साल की करनी होगी, और अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे MA कर लेते हो तो आपकी BEd 1 साल की होगी। अभी जैसे BEd का सिस्टम क्या था, चाहे भले ही आप MA किए हो चाहे आप ग्रेजुएशन किए हो तो अभी आपको 2 साल का करना होता था, लेकिन नहीं, अब आपको सिर्फ 1 साल की करनी होगी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं।
तो ये सभी चीज़ें थी शिक्षा नीति के बारे में, शिक्षा नीति में उल्लेख किए गए शिक्षकों के बारे में, छात्रों के बारे में क्या क्या शिक्षा के नियम बनाए जाएंगे। अब बात आती है ये लागू कब होगा, ये लागू तब हो जाएगा जब ये संसद में बिल पहुंच जाएगा। संसद में बिल पहुंचने के बाद राष्ट्रपति द्वारा इसकी सहमति, राष्ट्रपति द्वारा इसकी सहमति मिलने पर ये कानून बन जाएगा और फिर जल्द ही केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेज देगी और राज्य सरकार अपने हिसाब से इसको लागू कर देगी। हर राज्य में अलग अलग इसको लागू कर दिया जाएगा। ये कुल मिला के शिक्षा नीति मातृभाषाओं पर जोर देने के लिए है। इसके अलावा सभी प्राइवेट संस्थान और सरकारी संस्थानों में फीस बराबर रहे, शिक्षा पे तकनीकी विकास रहे, बच्चे का क्रिएटिव माइंड हो सके, तार्किक विकास हो सके, यहाँ तक कि बच्चा सिक्स के बाद एक ऐसा काम कर सके कि वो नॉलेज हासिल कर सके, अपना व्यवसाय कर सके, चाहे वो कंप्यूटर कोडिंग का हो, पेंटिंग का हो, कुछ भी हो, उसको इंटर्नशिप की सुविधा दी जाए। काफ़ी चीज़ों के लिए चीज़ की गई हैं और शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही, और सरकार का यही कहना है, मोदी जी द्वारा यही कहा गया है कि अब एक राष्ट्र, जैसे कि एक राष्ट्र होगा, एक शिक्षा होगी और एक ही पाठ्यक्रम होगा। तो ये चीज़ें आपकी शुरू की गई हैं, अब पढ़ेगा इंडिया तो तभी बढ़ेगा इंडिया। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। जय हिंद।